राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे जो कल आपकी काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में, जो आपकी 19 तारीख को काउंसलिंग होने वाली। सबसे बड़ा डाउट है कल की छुट्टी है या नहीं छुट्टी है। कल की भाई साहब बताया गया है कि आपके जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बताया कि कल को जो आपकी काउंसलिंग वगैरह काम है वो आपके होंगे, बाकी छुट्टी है। ठीक है, आपके जो जितने भी काउंसलिंग वगैरह है आपकी उसका काम होगा आपका, आप जाके करवा सकते हो आपकी काउंसलिंग, और आपकी वैसे डिपार्टमेंट्स की छुट्टी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आगे आपको किस बच्चे को यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है, पूरी की पूरी प्रोसेस बताएंगे वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बता दूंगी सभी की आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो कल आपकी काउंसलिंग है। सबसे पहले बता दूं कल आपको 9 बजे ही चले जाए, 9 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब किसको जाना किसको नहीं जाना, तो बच्चों को पहले बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिख रखा है फिजिकल काउंसलिंग, यानी कि आपके ऑफलाइन जाना आपको, फिजिकली आपकी काउंसलिंग होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वेरीफाई करे जाएंगे, आपको 2 सेट फोटोकॉपी के लेके जाने। ठीक है, फोटोकॉपी करवानी आपके डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ आपकी 10th की DMC है, 12th की DMC है, आपकी माइग्रेशन है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस है, आधार कार्ड। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ये ओरिजिनल भी लेके जाने साथ में इनकी फोटोकॉपी लेके जानी, ये आपको लेके जाना अपना जो डिपार्टमेंट है। अगर आप BCS के हो तो BCS डिपार्टमेंट में जाओगे, पब्लिक एड वाले हैं तो वो पब्लिक एड वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ जाके आपकी फिजिकल काउंसलिंग होगी। अब बात करते किन बच्चों को जाना किन को नहीं जाना, तो आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर स्टूडेंट का नाम है, परसेंटेज है। ठीक है, और उसका कैटेगरी वाइज देखा कि हरियाणा ओपन जर्नल में कितने बन रहे, हर स्टूडेंट का दिखाया गया कितनी परसेंटेज बनी है, उसके बाद उसकी कैटेगरी दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क बताया गया कि नो इनकम सर्टिफिकेट दिखाया, किसी का 12th की DMC नहीं है, किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक तो आपको वहाँ पर सबमिट करवानी है जिसका नाम आया। ठीक है, दूसरी बात है कि जिन बच्चों को आप नाम MDU का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो। ठीक है, गूगल पे जाओगे, डायरेक्ट सर्च करोगे MDU प्रोस्पेक्टस 2022 डाउनलोड करो आपका UG का, उसमें आपकी सीटें बताई गई है। ठीक है, BCA में 120 सीटें है, तो आपको उसमें ना कैटेगरी वाइज बताया गया EWS की कितनी है, SC की कितनी, BCA की कितनी है। ठीक है, उनमें आप ऊपर से देखो कि अगर उसमें आपकी 10 सीटें हैं, मान लो कि आपकी EWS की 10 सीटें हैं, तो आपको ये देखना कि आपका जो रैंक है वो 10 बच्चों में, टॉप 10 बच्चों में आता है नहीं आता। 15 तक भी चले जाइए, कोई बच्चा अगर नहीं भी जाता भाई तो 15 तक भी चले जाइए, अगर कोई एडमिशन ना ले तो आपका हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मतलब यहाँ पे चेक करना है कैटेगरी वाइज। MDU ने कोई भी लिस्ट नहीं डाली है भाई कि हाँ आपका जो मतलब इन बच्चों को आना है। ठीक है, मैं भाई पर्सनली आपको नहीं कहता कि आप जाओ, आपके जो टॉप के नंबर है जिन बच्चों के टॉप 120 हैं तो 120 में से तो भाई जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 120 जिसके हैं, 120 तक जिन बच्चों के नाम आए हुए हैं, इनमें आपके ये देख लो कि आपका लगभग है 90% के अराउंड रहेगा। ठीक है, जिसके 90% से ऊपर ऊपर नंबर है वो बच्चा चले जा सकता है, उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात भाई, बाद में मेरे को ब्लेम मत करियो कि आपने बोला था और हम चले गए, हमारा काम नहीं हुआ, वो आपके डिपेंड आपके सीट्स। मान लो कि आपका नंबर है आपका 120 के अंदर, लेकिन EWS वाली कैटेगरी में आपका 15वां नंबर है, तो भाई 10 बच्चे लेने हैं ना, तो वो टॉप के 10 लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने उस पर जाइए, रिस्क पर जाइए कि हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले जाइए भाई, एक बार पता लग जाएगा आपको कहाँ क्या जाना है। ठीक है, दूसरी काउंसलिंग में चले जाना, वहाँ पे आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा आपकी काउंसलिंग के बारे में, आपको पता लग जाएगा कैसे क्या एडमिशन होगा, घर बैठे कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था कि आपके जो ऊपर वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनका एडमिशन होना है, जो नीचे है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके 2-3 प्रॉब्लम आई थी। एक तो आई थी कि आपका ऑन होल्ड है। ठीक है, ऑन होल्ड का मतलब देखो ये पीछे दिखा रखे, आपका जो 12th सर्टिफिकेट नोट फाउंड आपने अपलोड ही नहीं कर रखा, जिनका भी ऑन होल्ड उनका रिजेक्टेड क्या है, आपका रिजल्ट ही नहीं आया है, जिन बच्चों की कैटेगरी सेम ना है। जैसे कि भाई BCA में क्या होता है कि आपको आर्ट्स विद मैथ होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ बच्चों के पास आर्ट्स थी लेकिन मैथ नहीं था, उन्होंने BCA फॉर्म भर दिया तो रिजेक्ट हो गया उनका। ठीक है, ऑन होल्ड वालों के जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये नहीं है। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन ऑन होल्ड है, तो आप डिपार्टमेंट में जाकर ठीक करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आई हैं। और आपके ऊपर जो नंबर है, आप दिखाऊंगा मैं आपको कि 54-53% वाले बच्चे भी आपका भर रहे हैं फार्म। ठीक है, इनका भाई एडमिशन नहीं होगा क्योंकि भाई ऊपर नहीं, 90 पे ही कट ऑफ लगेगी आपकी लगभग दूसरी भी। ठीक है, मैं पहली 95 के अराउंड रहेगी, उसकी जो दूसरी है ये देखो 92 तक आपके 120 सीटों में 60वां नंबर है जो बच्चे का। ठीक है, ये आपका 92% पे। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई हो किसको जाना किसको नहीं जाना। कल की छुट्टी नहीं भाई, आपको अगर वेरिफिकेशन वगैरह करवानी तो, और आपकी जो फीस है वो आपकी ऑनलाइन कटेगी, या तो वो आपको पर्ची निकाल के दे देंगे कि हाँ भाई ये आप बैंक में जाके जमा करवा दो। ठीक है, या फिर आपको ऑनलाइन वो एक्सेप्ट कर देंगे, आपका फॉर्म वहाँ से वेरीफाइड कर देंगे, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से काट सकते हो। तो होप करता हूँ वीडियो
समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका MDU में एडमिशन हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।